हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय आईएलटीएस स्पीकिंग टेस्ट सीरीज आईएलटीएस टॉक्स विद करिश्मा। हाय, आई एम करिश्मा जोशी, द फाउंडर ऑफ नेविगेटर्स एजुकेशन, अ मदर ऑफ टू क्यूट डॉटर्स, अ पावरफुल सोर्स टुगेदर, अ वाइफ टू अ फाउंडिंग पार्टनर चिराग जोशी, अ सोलफुल एंड अ सपोर्टिव मैन, एंड अ डॉटर टू अ फादर हु टॉट मी टू वैल्यू माई सेल्फ, टू बिलीव इन सेल्फ वर्थ and blossom into a strong and courageous woman. I am a certified trainer by IDP Australia, British Council, Cambridge University, PTE and TOEFL too. Having 17 plus years of experience by training and helping to secure desired score in IELTS and PTE to more than 10,000 students till date by both offline and online mode. So guys, dekhte hain aaj ka hamara cue card topic kaun sa hai. सो बट टुडेज क्यू का टॉपिक इज टू डिस्क्राइब अ प्लेस यू विजिटेड ऑन वैकेशन। बहुत ही ईजी वाला है, ठीक है। हम लोग को कोई एक ऐसे प्लेस के बारे में डिस्क्राइब करना है जो हमने वैकेशन में विजिट किया है, और आपको यहाँ पे बोलना है कि वेर इट इज़, वो कहाँ पे है, व्हेन यू वेंट देयर, आप वहाँ पे कब गए थे, व्हाट यू डिड देयर, आपने वहाँ पे क्या किया था, एंड एक्सप्लेन व्हाई यू वेंट देयर, और आप एक्सप्लेन कीजिए कि आप वहाँ पे क्यों गए थे। तो बहुत ही सारी जगह होती है, हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, हम वेकेशंस होते हैं तो हम लोग जाते हैं, तो आप कोई भी चीज़ और कोई भी जगह के बारे में आप यहाँ पे बात कर सकते हो। अभी यहाँ पे क्या होता है कि कई बार स्टूडेंट्स को ऐसे परसेप्शंस होता है कि हमें कोई बड़ी जगह का ही नाम देना चाहिए, पॉपुलर प्लेस का ही नाम बताना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप लोग रियलिटी के बारे में भी बता सकते हो, तो ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे आपको पूछा नहीं है कि डिस्क्राइब प्लेस यू विजिटेड ऑन वैकेशन विच इज़ वेरी पॉपुलर, ठीक है। तो आप कोई भी जगह के बारे में बता सकते हो, छोटे से गांव के बारे में बता सकते हो, आपके नेटिव प्लेस के बारे में बता सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है हमें कोई वो विजिटिंग प्लेस को ढूंढ के लाना है, ठीक है। आप कोई भी चीज़ जगह के बारे में बात कर सकते हो। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे दो अलग अलग प्लेसेस के बारे में। मैं आपको बताऊँगी आपके पास जिसके बारे में अच्छा नॉलेज है, आप जो ईजिली बोल सकते हो, जिसकी वोकैबुलरी आपको पता है, तो वो टॉपिक को आप सिलेक्ट करके आप आंसर दीजिए। सो फर्स्ट लेट्स टेक एनी हिल स्टेशन, कोई भी हिल स्टेशन के बारे में आप बात बताओ कि वेल आई एम अ ट्रैवल हॉलिक पर्सन एंड आई लव ट्रैवलिंग अ लॉट एंड आई ऑल्सो लव टू ट्रैवलिंग एंड टू डिफरेंट प्लेसेस एंड एक्सप्लोर डिफरेंट कल्चर प्लेस एंड टूरिज्म। सो मुझे बहुत ही पसंद है और मैं बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल करता रहता हूँ। And here I would like to talk about a place which I enjoyed a lot in my last vacation, especially summer vacation, and that was my vacation to Manali. It is really a beautiful hill station located in Himachal Pradesh, in the state of Himachal Pradesh. ऐसे भी आप बता सकते हो। I would like to say that I visited this hill station in the last summer, say two three months back. मैंने ये visit किया था, 1 year के पहले visit किया था, आप कभी भी बता सकते हो। इट वॉज़ एक्चुअली एन एडवेंचरस टूर ऑफ टोटल 10 days, और ये जो मैंने वेकेशन लिया था या तो ये जो मैंने विजिट किया था वो एक ग्रुप के साथ था, जो ग्रुप मेरे सिटी से बिलोंग करता है। दे टेक एवरी ईयर फॉर अ 10 days ट्रिप टू मनाली, एंड देर दे मेक अस डू मैनी एडवेंचरस थिंग्स रॉक क्लाइंबिंग एंड ट्रैकिंग एंड पैराग्लाइडिंग एंड मैनी अदर थिंग्स। सो इट इज़ एक्चुअली मनाली वी वेंट बिकॉज इट इज़ अ गेट वे फॉर ट्रैकिंग, and it also has jumping off point for paragliding, there is also rafting and also mountaineering. So it was really fun this my visit, and I enjoyed a lot in my this visit. It was I think that second or third time that I went in this my vacation at Manali, and every time I go there I really enjoy all this adventurous activity because I am a person who love nature and who also love adventure a lot. And I always wanted to experience all these activities whenever I visit it, okay, again and again. So overall, I would like to say it was an amazing experience of my vacation, and I'm really looking forward to go for one more time over there and again enjoy all these activities. So guys, this was one option. Dusra option aap bata sakte ho koi bhi beach ke bare mein, theek hai. To hum log yahan pe Goa ke bare mein baat karte hain. तो वेल वही स्टार्टिंग करना है, आई एम अ वेरी ट्रैवल हॉलिक पर्सन, आई लव ट्रैवलिंग अ लॉट एंड आई विजिट डिफरेंट प्लेसेस एंड एक्सप्लोर डिफरेंट प्लेसेस, एंड हियर आई एम गोइंग टू टॉक टुडे अबाउट गोवा।
Goa, it is a state in western India along with the Arabian Sea. I visited Goa in last summer or before a year with my friends or with my family. अब जो भी बनाना चाहते हो, जिसके भी साथ जाना चाहते हो आप बता सकते हो. It was actually a 4-night, 5-day trip, या तो फिर जो भी आप 10-day trip, 5-day trip आप जो भी बताना चाहते हो बता सकते हो. Goa is actually famous for its beaches and also it is very famous for its water activities. When I went Goa, I did like, you know, I enjoyed lot many activities like from scuba diving, parasailing, white water river rafting. Along with that, I also enjoyed beach sports and also I explored the historic Chapora Fort, and also I cannot forget the nightlife of Goa. So because of all these activities, I really had a very great time at Goa, and I'm really looking forward to such more trips again in my future also. And I also want to enjoy such vacations to Goa many many more. So guys, आप भी आपका आंसर इसी तरीके से प्रिपेयर कीजिए. कोई भी एक आप जहाँ पे भी कन्वीनियंस आपको लग रहा है, आपको कंफर्टेबल लग रहा है कि मुझे ये चीज़ों के बारे में पता है, मुझे हिल स्टेशंस के बारे में पता है, मुझे बीचेस के बारे में पता है, या तो मुझे ये जगह पे, जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी पॉपुलर जगह को लेके बात करो. यू कैन टॉक अबाउट एनी थिंग. यू कैन टॉक अबाउट कि लास्ट समर वेकेशन आई वेंट ऑन लाइक यू नो वेकेशन टू माई नेटिव प्लेस. आई वेंट देयर फॉर 4 days और वहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की. मैंने विलेज लाइफ को देखा वहाँ पे, जो मैं शायद बहुत सालों से नहीं गया था, नहीं गई थी. सो नाउ आई अंडरस्टैंड दैट व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इन द पीपल लाइक यू नो हैविंग इन द विलेज. वहाँ पे मैंने बहुत सारे ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड लाइक यू नो वेजिटेबल्स खाए. वहाँ पे मैंने फार्म देखा. मैंने वहाँ पे लाइक यू नो लोकल मार्केट देखा, वहाँ का लेक देखा. दूसरा, मेरे जो नेटिव प्लेस है वहाँ पे एक फोर्ट है छोटा सा, जो हिस्टोरिकल वैल्यू वहाँ पे होता है, तो वो मैंने देखा. रियली इट वाज एंजॉयिंग पार्ट. सो लाइक यू नो द विलेज लाइफ इज़ आल्सो व्हाट दैट आई केम टू नो इन दिस वेकेशन. एंड आई रियली वांटेड टू, आई थिंक दैट नॉट ओनली मी बट एवरी वन शुड गो एंड एटलीस्ट वंस इन अ ईयर लुक आउट द विलेज लाइफ एंड अंडरस्टैंड हाउ इट इज़. सो आप इस तरीके से ऐसा आंसर भी बोल सकते हो. सो कोई भी कन्फ्यूजन्स मत रखिए. बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि आपको कोई एक ऐसे प्लेस के बारे में बताना है कि जो आपने वेकेशन में विजिट किया था. सो गाइज, आप भी अपने एक आंसर प्रिपेयर कर लीजिए. एंड येस, एज आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन, डोंट फर्गेट टू कीप रिवाइजिंग एंड प्रैक्टिसिंग योर आंसर्स इन योर स्पीकिंग टेस्ट मॉड्यूल. सो गाइज, सी यू टुमारो विथ वन मोर क्यू कार्ड. टिल देन, डू लाइक माई पॉडकास्ट वीडियो एंड येस, डोंट फर्गेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. बाय बाय.